फिर शो का नोटिस क्यों जारी किया गया जब प्लेयर एक कह रहा है कि मेरा वर्कलोड जो है वो मैं नहीं उठा सकता, बॉडी में ही नहीं उठा सकती, टेस्ट कर लो। उस वक्त शो का नोटिस पे कहा गया था कि इसकी जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है तनखनी की जाएगी इस पर, इसमें क्या कहते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दूँ। हारिस श्रॉफ हमारा एक अपना प्रोडक्ट है जिसको हम ख़त्म नहीं करने आए। ऑब्वियसली देखें, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो कोई भी प्लेयर बाउंड होता है, जब वो साइन करता है तो उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए पहली प्रायोरिटी होती है। गोइंग फॉरवर्ड जो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की शेख है कि उसमें क्या हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, ये सारी चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फैसला लिया नहीं गया। असल में लोगों ने बहुत सी चीज़ों को हवाओं में ऐसे उड़ाया हुआ है कि आप जिस तरह उनको सब कुछ पता है, हालांकि किसी को कुछ नहीं पता जब तक कोई बात पूछी ना जाए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि आपको जब भी अवेलेबल होना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए, जब भी आपको बुलाया जाएगा, वी नीड योर अवेलेबिलिटी, और कोई भी प्लेयर उसको साइन करने से पहले उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर साइन करता है। ये सिर्फ हारिस के लिए नहीं, हर एक के लिए है। गोइंग फॉरवर्ड के उसको हम लोगों ने NOC दे, जो शो को नोटिस है वो उसके उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच के ऊपर है, और ये एक मेरा ख्याल है जो प्रोसेस है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये होता रहा पीछे भी और ये अभी भी हुआ है, तो ये कोई बहुत बड़ी उसके लिए मेरा नहीं ख्याल के इतनी कोई बड़ी खबर है, क्योंकि ऑब्वियसली दैट्स अ ब्रीच ऑफ अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर के दरमियान है। गोइंग फॉरवर्ड के सुनने में आया था बहुत से लोगों ने कहा जी फोन आ गए और उनको हम लोगों ने NOCs दे दी और हम लोगों ने उन्हें कहा कि जी आप चले जाएँ, हम लोग अंडर प्रेशर आ गए, ये हो गया वो हो गया। तो मैं पहले आपको ये बता दूँ कि जो भी किसी भी प्लेयर को NOC मिलती है तो वो 3 या 4 लोगों की एक कमेटी है जिसके थ्रू डिसाइड होता है कि इनको कैसे मैनेज करना है, किसको किधर ज़रूरत होगी और कैसे गोइंग फॉरवर्ड हमें उनकी ज़रूरत है, क्या वो हमारे प्लान्स में हैं या नहीं है, उसके मुताबिक उनको NOC का हमारा एक जो अमल है वो प्रोसेस में लाया जाता है। हारिस रऊफ़ का जो NOC दी है, हारिस रऊफ़ हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द T20 कॉम्पिटिशन, इस्लामाबाद के कप्तान थे और वो कप्तानी के बाद कप्तान थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुपर 8 में उनकी टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। इसकी वजह से अब से लेके न्यूजीलैंड टूर तक उसका मतलब है कि 1.5 महीने का एक गैप है जिसमें हारिस रऊफ़ किसी किस्म की कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उनका बिग बैश का कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन 5 गेम्स है, और हम लोगों ने ये मद्देनज़र रखते हुए कि 1.5 महीना क्योंकि कोई कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं होगी तो हम चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स खेलते रहें ताकि वो एक तो प्रैक्टिस में हो, एक फॉर्म में हो, एक रिदम में हो, क्योंकि ही इज़ अ फास्ट बॉल। तो उसकी वजह से हम लोगों ने उनको 7 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, जिसमें उनके 5 मैचेस भी कवर होते हैं और उसके बाद फिर मोस्ट प्रोबेबली वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होते हैं तो वो सीधा न्यूजीलैंड के लिए ट्रैवल कर जाएंगे। सो ये बेसिकली साइंस है हारिस रऊफ़ को और जमान को और उसामा को NOC देने की। देखिए, मेरा ख्याल है कि एज अ कैप्टन ही हैज़ लेड फ्रॉम द फ्रंट, और यही हम सबको चाहिए कि जो कैप्टन है वो ही शुड बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। काफ़ी सवाल थे लोगों के जब से शान को कप्तान बने, तो आई थिंक काफ़ी लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ही इज़ अ करेक्टर। वो एक ऐसा करेक्टर है जिसको टीम से ड्रॉप होता था तो वो फर्स्ट क्लास में जाता था, फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करता था, फिर वो वापस आता था। सो यू नो, ऐसे जो करेक्टर्स होते हैं वो पाकिस्तान टीम के लिए, चाहे वो कप्तान हो या वो प्लेयर्स हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो उनकी परफॉर्मेंसेज जो वो आगे आती हैं। ये एक फर्स्ट क्लास गेम थी जो वो खेल रहे हैं, अब होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे आने वाले टेस्ट मैचों में भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह शान ऐसे ही रन करेंगे। देखिए, हमने जब ये टीम बनाई थी तो हम लोगों ने यही सोच के बनाई थी कि टीम वहाँ पे जाके एक अच्छी क्रिकेट खेलेगी। वाइट वॉश, देखें पिछले 25 साल से हम अभी तक कोई भी सीरीज नहीं जीते ऑस्ट्रेलिया में, शायद एक टेस्ट मैच भी नहीं जीते। तो इस वक्त जो ये टीम गई है उनका जो मोटिव है वो ये है कि एटलीस्ट हम लोग एक टेस्ट मैच यहाँ पे जीत के जो हमारे ऊपर एक रिकॉर्ड का है वो एक तो क्लियर करें और हम अच्छी क्रिकेट खेलें, पोटेंशियली हम अच्छा खेलें। वी नो कि हमारे पास जो क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हम इतनी खेलते नहीं और वो पैचेस में आती है, सो हम लोगों की कोशिश यह है कि इस टूर्नामेंट में हम लोग अच्छी क्रिकेट खेलें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और जीतें। और देखें, हार जीत खेल का हिस्सा है, लोग जो कहते हैं कहने दें, फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर बिल्डिंग अप अ गुड टीम गोइंग फॉरवर्ड इन टू इट और हम लोग उस पर काम करेंगे। पहले भी कहा था अगर कोई फेलियर होता है तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आई विल टेक दैट एज ए चीफ सेलेक्टर, वो मेरा कसूर होगा, वो उसकी जो भी आप लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना होगा आप वो मुझे करें, प्लेयर्स को नहीं करें, क्योंकि वी आर वर्किंग टुगेदर और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम जो आगे जाते हुए टीम को और अच्छा और बेहतर करें। 2024 में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके बाद 26 में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, आप किसके लिए टीम बनाने जा रहे हैं? देखिए, हमारा जो प्लान है वो यही है, बेसिक प्लान जो इनिशियल हमारी बातचीत हुई है, जो हमारी पहली मीटिंग भी हुई है सेलेक्टर्स की कराची में, वो इसी बात पे हुई है कि हम लोगों को बैकअप्स तैयार करने हैं, हम लोगों को एक प्लेयर के ऊपर दूसरा प्लेयर रखना है, क्योंकि
इस वर्ल्ड कप में जो हमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि वो नसीम शाह नहीं थे और उसके बाद हमारे पास रिप्लेसमेंट उस तरीके से नहीं थी, तो हम अब वो नहीं करने जा रहे। हमारा ये है कि तीनों डिपार्टमेंट में तीनों जो गेम्स हैं, जो तीन हमारे फॉर्मेट्स हैं, उनकी हमारे पास डिफरेंट टीम्स हो, हमारे डिफरेंट प्लेयर्स खड़े हों और हम मौका दें नए आने वाले प्लेयर्स को ज़्यादा थोड़ा सा मौका दें, लेकिन एक्सपीरियंस को हम लोग कभी भी साइडलाइन नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस और जो यूथ है वो मिलके जो है वो बेहतर होती है, क्योंकि उनको भी रहनुमाई चाहिए आगे के वो उनको किस तरीके से खेलना। तो आई थिंक आगे जाते हुए हम लोग इंशाल्लाह तीनों फॉर्मेट्स में जो है हम लोग बैकअप्स ज़रूर तैयार करेंगे और वो इंशाल्लाह आपको आने वाली सीरीज़ों में नज़र आता रहेगा कि जिस तरीके से हम लोग चलेंगे इस चीज़ को लेके चलेंगे। बॉस इसके ऊपर मैं पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, आप लेट हो गए, चेस की बात कर ले, चेस की बात कर ले कुछ यार। यार देखिए, शुएब मलिक एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस डे इन डे आउट रही हैं, उनको कभी भी अपने आप को मुझे नहीं लगता कि उनको ये शो करने की ज़रूरत है रन्स करके कि वो भी इस लाइन में है। आई थिंक ही हैज शोन अ लॉट ऑफ हिज कैलिपर इन T20 क्रिकेट और वो एक ऐसे प्लेयर है कि अगर मेरे नज़दीक, अगर मेरी सोच के मुताबिक अगर वो 150 भी करते हैं तो वो उससे भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, और अगर वो 450 भी कर लेंगे तो हो सकता है तब भी वो टीम का हिस्सा ना बने। उसकी वजह ये नहीं है कि बनेंगे या नहीं बनेंगे, देखना यह है कि टीम में की फॉर्मेशन में शुएब मलिक कहाँ पर आके फिट होते हैं। आई नो हिज कैलिपर, वी हैव प्लेड डे इन डे आउट विद हिम, सो ही इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेयर्स के जो अगर कंसिस्टेंटली रन नहीं भी करते बट दे आर द मैच विनर्स, तो मैच विनर्स को ऑब्वियसली आप तरजीह देते हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड ये देखना पड़ेगा कि टीम की फॉर्मेशन क्या है और हमारा जो हम अलाइन किस तरह करते हैं चीज़ों को, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए अनफॉर्चुनेटली ये जब रिपेरेशन हुई है सारी, ये जो भी हुआ सारा, आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये मेरा ख्याल है सेक्रेटरी साहब और डीजी साहब से आपको सवाल करना चाहिए। और प्रॉबेबली गोइंग फॉरवर्ड इनटू दिस हम लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि हम लोग टूर्नामेंट्स इनेकाद करें, जिससे हमने कहा कि कुछ चीज़ों का सिर्फ हम वेट करें, एज सून एज हमें वो चीज़ें क्लियर होती है तो हम यहाँ पे आपको हॉकी के मैचेस भी नज़र आएंगे होते हुए। और वैसे भी अभी जो हमारी इमर्जिंग टीम गई है वो यहाँ से कैंप करके गई है। दौरा न्यूजीलैंड के लिए वो अभी तक हम उनको कंसिडर नहीं करें, उसकी वजह यह है कि वो अभी रीहैब से आए हैं, उनका जो बॉलिंग लोड है वो देखना पड़ेगा उनको फॉर्म में लाने के लिए, हम लोगों ने उनके ऊपर कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। ही इज़ एन एसेट टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम और हम चाहते हैं कि हम उसको बड़े तरीके से यूटिलाइज करें, सो मोस्ट प्रोबेबली होपफुली लुकिंग फॉरवर्ड के वो लोग PSL में जो है वो नुमाइंदगी करें। जी जी, अभी आपने जो इनामात की बात की, क्या आपके प्लान में वो भी शामिल है कि उनको भी कोई इनाम बुला के? यार अगर वो पंजाब का लड़का है और वो कोई अच्छा काम करके आया है, पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया, तो ये सवाल आपको दोबारा पूछने ही नहीं चाहिए। जो पंजाब का हिस्सा है वो सारी प्लान्स का हिस्सा है, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि किसी को हम फेवर देंगे और किसी को हम फेवर नहीं देंगे। क्या केस यार।